हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आज हम आपके लिए लाए हैं 7 सितंबर की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, यह करंट अफेयर्स आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स, आरआरबी रेलवे, ग्रुप डी और जितने भी सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो दोस्तों, आप चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, विश्व आर्थिक मंच द्वारा यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में भारत को विश्व यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? विश्व यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धा, आपको पता होगा इस वर्ड का मीनिंग, जो हिंदी का ही मीनिंग है, प्रतिस्पर्धात्मकता मतलब कंपटीशन, जो पर्यटन कंपटीशन है उस सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए 24वां, ऑप्शन बी 14वां, ऑप्शन सी 44वां और ऑप्शन डी 34वां। तो दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक सूची जारी करता है, एक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें सभी देशों के पर्यटन में जो कंपटीशन होता है उसमें कौन कितने ज़्यादा पर्यटनवासी देशों में कितने ज़्यादा आते हैं, कौन से देश में कितना ज़्यादा पर्यटन है, विदेशी यात्री घूमने के लिए जो आते हैं वो कौन से देश में किस नंबर पर और कितने ज़्यादा आते हैं, ये उसके अकॉर्डिंग जारी किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग भारत को सूचकांक में कौन सा स्थान मिला है, हमें ये बताना है। तो दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार अभी जो सूची जारी हुई है उसमें भारत को 34वां स्थान मिला है। विश्व यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में शामिल 140 देशों में स्पेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, टोटल 140 देश थे और उसमें स्पेन शीर्ष पर है, इसको भी याद रखना, क्योंकि टॉप वाली कंट्री भी पूछी जा सकती है, तो वह स्पेन है। उसके बाद क्रमशः फ्रांस, जर्मनी और जापान तथा संयुक्त राज्य अमेरिका स्थान है। भारत ने अपने कारोबारी माहौल, बुनियादी ढांचे तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तत्परता के क्षेत्र में भी काफ़ी सुधार किया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में भारत की रैंकिंग 40वीं थी। तो याद रहे, 2017 में भारत की रैंकिंग 40वीं थी और अब 34वीं हो गई है। भारत की रैंकिंग में 6 का सुधार हुआ है। तो ध्यान रहे, अब भारत की रैंकिंग है 34वीं और 140 देशों के टोटल में स्पेन टॉप पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे का निधन हो गया है? ऑप्शन ए जिम्बाब्वे, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी अंगोला एंड ऑप्शन डी घाना। तो हाल ही में अभी अभी जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति मुगाबे का निधन हो गया है। रॉबर्ट मुगाबे स्वतंत्रता युद्ध के बाद अफ्रीकियों के नायक के तौर पर उभर कर सामने आए थे। वे पहली बार साल 1960 में चर्चा में आए जब रोडेशिया में गोरे लोगों के विरुद्ध छापामार युद्ध छेड़ रखा था। वे साल 1980 से साल 1987 तक प्रधानमंत्री और साल 1987 से साल 2017 तक राष्ट्रपति रहे थे, यानी कि पहले वो कुछ समय तक प्रधानमंत्री रहे 1980 से 1987, यानी कि 7 साल वो प्रधानमंत्री रहे और उसके बाद वो राष्ट्रपति बन गए। तो दोस्तों, याद रखिएगा, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे। चलिए, ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि ये पहले प्रधानमंत्री रहे थे और उसके बाद राष्ट्रपति रहे थे। चलिए मैं आपको इनकी तस्वीर दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे, जिनका भी निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने हाल ही में साइबर अपराध जांच और साइबर फोरेंसिक पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी पटना एंड ऑप्शन डी चेन्नई। तो दोस्तों, मैं बताना है, सीबीआई ने अभी जो सम्मेलन किया है वो किस शहर में आयोजित किया गया? तो आंसर है नई दिल्ली। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ऐसा मंच बनाना है जहाँ जाँचकर्ताओं, वकीलों और फोरेंसिक विशेषज्ञों और शिक्षाविदों को साथ लाकर साइबर अपराध से संबंधित चुनौतियों और इसके समाधान के तरीकों पर चर्चा करना था। यह सम्मेलन राज्य पुलिस और प्रवर्तन एजेंसियों के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली को साझा करने का एक मंच है। साइबर अपराध एक वैश्विक घटनाक्रम है और यह सम्मेलन एजेंसियों के जमीनी स्तर पर काम करने हेतु एक श्रेष्ठ अनुभव होता है। तो दोस्तों, यह सीबीआई का एक सम्मेलन था, तो इसको याद रखिएगा, कहाँ हुआ यह? न्यू दिल्ली में। और इसमें सभी तरह के लोग, जैसे जांचकर्ता, वकील, फोरेंसिक विशेषज्ञ और शिक्षाविद,
इकट्ठे होते हैं जो साइबर अपराध से रिलेटेड, जिनको भी थोड़ी बहुत भी जानकारी होती है, उन सबको इकट्ठा किया जाता है और उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसके सॉल्यूशंस पर ये डिस्कशन करते हैं साथ मिलके। तो इसीलिए यह सम्मेलन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में स्वर्ण भंडार के मामले में किस देश का 10वां स्थान है? ए नेपाल, बी चीन, सी भारत एंड डी बांग्लादेश। तो दोस्तों वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का इसमें 10वां स्थान है। रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्वर्ण भंडार कुल 618.2 टन है। भारत का स्वर्ण भंडार दो दशकों में 357.8 टन से बढ़कर वर्तमान में 618.2 टन हो गया है। देखिए दोस्तों लगभग डबल हो गया है भारत का स्वर्ण भंडार। इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका 8,134 टन के पास सर्वाधिक स्वर्ण भंडार है। तो दोस्तों पहले नंबर पर कौन है? अमेरिका। इसका मतलब अमेरिका के पास सर्वाधिक स्वर्ण भंडार है। उसके बाद स्थान है जर्मनी का, जिसके पास 3,367 टन है। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय, दोस्तों यह याद रखना क्योंकि जो टॉप कंट्री है वो भी याद रखनी पड़ती है हमें, तो अमेरिका है और भारत की रैंकिंग आपको याद रखनी है। भारत का इसमें कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। और यह रिपोर्ट किसने जारी की है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2,451.8 टन स्वर्ण भंडार के साथ जो तीसरे स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य से टाइगर स्टेट का दर्जा वापस लिए जाने के बाद राज्य सरकार बाघों की सुरक्षा हेतु टाइगर स्ट्राइक फोर्स का गठन कर रही है? ऑप्शन ए यूपी, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश एंड डी अरुणाचल प्रदेश। मध्य प्रदेश। राज्य सरकार ने इसके लिए केंद्र सरकार को 3 प्रस्ताव भेजे हैं। इनमें फोर्स के लिए जवानों की भर्ती और पुलिस कर्मियों को प्रतिनियुक्ति पर लेने का प्रस्ताव भी शामिल है। राज्य ने केंद्र से धनराशि की मांग भी की है तथा केंद्र सरकार ने 60% धनराशि पर सहमति जताई है और जो शेष 40% की राशि है वो राज्य सरकार को ही देनी पड़ेगी। इस फोर्स के कामकाज की निगरानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि NTCA करेगी। दोस्तों याद रखना इससे जो बाघ जो स्टेट है इसका दर्जा मध्य प्रदेश से वापस ले लिया गया है। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अभी अभी जो टाइगर स्टेट का जो दर्जा है वो कौन से स्टेट से वापस लिया गया है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। और उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन तो ये है ही कि कहाँ पर अभी अभी बाघों के लिए टाइगर फोर्स का गठन होगा, तो मध्य प्रदेश में होगा और इसमें जवानों की भर्ती, इस फोर्स के लिए जवानों की भर्ती भी होगी और पुलिस की प्रतिनियुक्ति भी शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस पहलवान को विश्व चैंपियनशिप में शीर्ष वरीयता दी गई है? ऑप्शन ए बजरंग पुनिया, ऑप्शन बी सुशील कुमार, ऑप्शन सी योगेश्वर दत्त एंड ऑप्शन डी पवन कुमार। तो भारत के बजरंग पुनिया को अभी अभी शीर्ष वरीयता दी गई है विश्व चैंपियनशिप में। बजरंग पुनिया को कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में 14 सितंबर से शुरू हो रही विश्व कुश्ती प्रतियोगिता के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में शीर्ष वरीयता दी गई है। विश्व चैंपियनशिप में उतर रहे अन्य भारतीय पहलवानों में राहुल अवारे को 61 किलोग्राम में दूसरी वरीयता मिली है, दीपक को 86 किलोग्राम में चौथी वरीयता और सीमा को 50 किलोग्राम में दूसरी वरीयता मिली है। दोस्तों बजरंग पुनिया का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए क्योंकि यह बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है। पिछले साल HSSC के जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें भी बजरंग पुनिया से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जो SI का पेपर हुआ था हरियाणा पुलिस में। और उसके अलावा आपको पता ही होगा बजरंग पुनिया को बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, तो वो सारे अवार्ड्स भी याद रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे अभी अभी बजरंग पुनिया को और दीपा कर्माकर को भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। उसके अलावा भीम अवार्ड हरियाणा में भी तो कई सारे अवार्ड बजरंग पुनिया को मिले हैं। ये देखिए बजरंग पुनिया की तस्वीर। तो दोस्तों इससे रिलेटेड जितने भी पुरस्कार हैं सभी याद रखना क्योंकि यह एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहामास में आए चक्रवाती तूफान का क्या नाम है जिसमें वहाँ लगभग 40 लोगों की मौत हो गई है? ऑप्शन ए अनियास, ऑप्शन बी डोरियन, ऑप्शन सी ग्रैंड मास्टर एंड ऑप्शन सी आबा कोस। तो बहामास में अभी अभी एक चक्रवाती तूफान आया है जिसमें 40 इतने लोगों की मौत हो गई है, तो इसका नाम है डोरियन। डोरियन तूफान से मरने वालों की संख्या बढ़कर लगभग 40 हो गई है।
उल्लेखनीय है कि विनाशकारी डोरियन तूफान बहामास में पहुंचा और उसने 2 दिन तक जबरदस्त उथल पुथल मचाई है। रेड क्रॉस के अनुसार डोरियन तूफान से बहामास के 13,000 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो दोस्तों याद रखना, तूफान अभी अभी कहाँ आया है, बहामास में। क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है कि अभी अभी डोरियन तूफान कहाँ आया है, तो बहामास में आया है, या फिर बहामास में आने वाले तूफान का क्या नाम है, डोरियन, या फिर अभी अभी 40 लोगों की मौत हुई है, तो अभी हाल ही में कौन सा तूफान आया था। तो आपको तूफान का नाम इस तरीके से याद रखना है कि डोरियन तूफान आया था अभी अभी, जिससे 40 लोगों की मौत हो गई है और 13,000 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और यह तूफान कितने दिन तक आया, 2 दिन तक। और दोस्तों याद रहे, ये रिपोर्ट कौन पेश करता है कि कितने लोगों से और कितने घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो रेड क्रॉस जो संस्था है वही ये रिपोर्ट पेश करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सबसे कम उम्र में टेस्ट क्रिकेट का कप्तान बनने का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन है विराट कोहली, बी राशिद खान, सी ए बी डिविलियर्स एंड डी जो रूट्स। तो इसका आंसर है राशिद खान, बांग्लादेश के हैं। जो बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर कदम रखते ही राशिद खान टेस्ट इतिहास में किसी टीम की कप्तानी करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन जाएंगे। राशिद खान 20 वर्ष 350 दिन की उम्र में टेस्ट मैच में कप्तानी करने उतरेंगे। यानी कि देखिए दोस्तों, जो राशिद खान है वो 20 महज 20 साल के हैं और महज 20 साल की उम्र में इन्होंने रिकॉर्ड्स भी बना लिए हैं। तो यह क्वेश्चन याद रखने के लायक हो जाता है, तो इसको याद रखिएगा। राशिद खान जो बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, और इसकी एज भी पूछी जा सकती है, तो एज भी याद रहे 20 वर्ष 350 दिन। वैसे दिन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ साल याद रख लीजिएगा। तो याद रखिएगा 20 वर्ष और राशिद खान, और बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर ये कदम रखेंगे। राशिद खान से पहले टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र में कप्तान करने के मामले में पहले स्थान पर जिम्बाब्वे के ततेंदा ताइबू है। ये देखिए, ये है राशिद खान दोस्तों, ये अफगानिस्तान से हैं, बांग्लादेश के खिलाफ तो ये उतरेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस वाहन निर्माता कंपनी ने चेन्नई प्लांट में 5 दिन उत्पादन बंद करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए है मारुति सुजुकी, बी टोयोटा, सी फॉक्सवैगन एंड डी अशोक लेलैंड। तो अभी भी हाल ही में चेन्नई में 5 दिन उत्पादन बंद करने की घोषणा की है अशोक लेलैंड कंपनी ने। जो ये अशोक लीलैंड कंपनी है, ये एक वाहन निर्माता कंपनी है, ये भी याद रखिएगा। आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वाहन उद्योग में आई मंदी के बीच ट्रक व बस निर्माता कंपनी अशोक लीलैंड ने 6 सितंबर से अगले 5 दिन तक अपने चेन्नई प्लांट में उत्पादन बंद रखने की घोषणा की है। दोस्तों याद रखिएगा, अशोक लीलैंड कौन सी कंपनी है, वाहन निर्माता कंपनी, क्योंकि अभी अभी ये चर्चा में है, तो क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, जो अशोक लीलैंड कंपनी है वह ट्रक व बस निर्माता कंपनी है, और इन्होंने 6 सितंबर से अगले 5 दिन तक अपने चेन्नई प्लांट में उत्पादन बंद रखने की घोषणा की है। इससे पहले कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी भी अपने मानेसर व गुड़गांव संयंत्र में 7 और 9 सितंबर को उत्पादन बंद करने की घोषणा कर चुकी है। तो याद रखिएगा, दो कंपनी मारुति सुजुकी और अशोक लीलैंड दोनों ने अभी अभी बंद करने की घोषणा की थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कितने सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा दिया है? तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन ए 5, बी 4, सी 3 एंड ऑप्शन डी 2। तो अभी अभी मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने 5 सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा प्रदान किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में 5 सार्वजनिक संस्थानों को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा प्रदान किया है। चलिए संस्थान देख लेते हैं कौन कौन से है। पहला संस्थान है IIT मद्रास, दूसरा संस्थान है IIT खड़गपुर, तीसरा संस्थान है दिल्ली विश्वविद्यालय तथा चौथा संस्थान है हैदराबाद विश्वविद्यालय। तो दोस्तों इन संस्थानों को अभी अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारतीय गैंडों के संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है? ए रोहित शर्मा, बी दिया मिर्जा, सी अरविंद केजरीवाल एंड डी आमिर खान। तो अभी अभी भारतीय गैंडों के संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान हमारे क्रिकेट के उप कप्तान रोहित शर्मा ने घोषणा की है। किसके लिए? भारतीय गैंडों की सुरक्षा के लिए। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान ने गैंडों के बचाव के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। यह अभियान गैंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया
जाएगा और उसी दिन 22 सितंबर को ही लॉन्च होगा, क्योंकि इसे राइनो डे के नाम से जाना जाता है। 22 सितंबर को याद रखिएगा, राइनो डे कौन सा दिन है? 22 सितंबर। पूरी दुनिया के 82% गैंडे सिर्फ भारत में पाए जाते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि पूरी दुनिया के 82% गैंडे सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। और यह जो अभियान है गैंडों की सुरक्षा के लिए, तो यह अभियान रोहित शर्मा ने दो संस्थाओं के साथ मिलकर शुरू किया है। एक जंगलों की संस्था और एक एनिमल्स से रिलेटेड एक संस्था है, उनके साथ मिलकर रोहित शर्मा ने यह शुरू किया है। ये देखिए हमारी क्रिकेट टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा, जिनके नाम कई रिकॉर्ड्स भी हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जगह सबसे ऊंचा एटीसी टावर बनाया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी गुड़गांव, ऑप्शन डी इंदौर। तो दोस्तों अभी अभी हाल ही में एक एटीसी टावर बनाया गया है जो सबसे ऊंचा है, और उसे नई दिल्ली में बनाया गया है। यह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बनाया गया है। दोस्तों इस एटीसी टावर को इसलिए बनाया गया है ताकि जो वाहन जो एयरपोर्ट पर जो आते हैं, जो लोग होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ हो, तो उस चीज़ से बचने के लिए उसकी प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। अभी हाल ही में नई दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सबसे ऊंचा जो एटीसी टावर बनाया गया है वह 102 मीटर का है, और इसका उद्घाटन किसने किया है? हमारे उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि हमारे उड्डयन मंत्री कौन है, तो हरदीप सिंह पुरी है हमारे उड्डयन मंत्री। दोस्तों जो भी मंत्री जिस भी मंत्रालय का मुख्य है, प्रमुख है, आप उसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि अभी अभी ये मंत्री बनाए गए हैं, अभी अभी इलेक्शंस हुए थे, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा हमारे उड्डयन मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। ये देखिए 102 मीटर ऊंचा जो एटीसी टावर अभी अभी न्यू दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर बनाया गया है, ये उसी की तस्वीर है। यह 102 मीटर ऊंचा है और ये हमारे उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं जिन्होंने इसका उद्घाटन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए है। हाल ही में किस देश में स्थित ननकाना साहिब रेलवे स्टेशन का नाम गुरु नानक देव के नाम पर रखने का फैसला किया गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो अभी अभी हाल ही में किस देश में, आपको बताना है कि किस देश में ननकाना साहिब रेलवे स्टेशन का नाम अभी अभी चेंज करके गुरु नानक देव जी के नाम पर रखने का फैसला किया गया है। तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर देना है। ए बी सी डी आप ये लिख सकते हैं, या फिर आप देश का नाम भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, और साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और मेरी वीडियो को प्लीज़ जितना हो सके उतना ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और आगे की अपडेशंस के लिए इसको शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने हरियाणा से रिलेटेड 60% प्लस करंट अफेयर्स डाले हैं, तो पता है होगा आपको अभी अभी HSSC के फॉर्म्स निकले थे और हरियाणा क्लर्क की एग्ज़ाम की घोषणा भी हो चुकी है, तो मैंने 60+ करंट अफेयर्स डाले हैं। तो आप वीडियोज़ में जाकर, चैनल में जाके, वीडियोज़ में जाके उसको खोल के उसमें वो करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे खासकर जुलाई के, मैंने सारे कवर कर दिए हैं। तो हरियाणा के स्टूडेंट्स उस वीडियो को ज़रूर देखें और जितना हो सके उतना ज़्यादा उसको शेयर करें। साथ ही मैंने अगस्त के इंडियन करंट अफेयर्स हैं, जो अगस्त के जो आपके सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स दोनों में ही बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, उसकी भी एक वीडियो अपलोड कर दी है। तो मंथली जितने भी करंट अफेयर्स हैं आप इसमें जाकर देख सकते हैं, और मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हो या कुछ भी आप मुझे बताना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आपको किसी भी टॉपिक पर या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जो भी आपके लिए यूज़फुल हो या फिर जो भी आपको ओरिएंटेड, एग्ज़ाम ओरिएंटेड लगती है। थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर मोर एंड मोर।